नमस्कार दोस्तों, ये सवाल है, देख लीजिए, राजस्थान अजमेर से सोनू का सवाल है। 1936 वर्ग गज बराबर एक बीघा होता है तो कितना हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर कैसे निकालेंगे? दोस्तों, पक्का बीघा बराबर तो 3025 वर्ग गज होता है, लेकिन इसका उपयोग करते हैं 1936 वर्ग गज का, तो देख लीजिए, एक हेक्टेयर बराबर 1,08,900 स्क्वायर फीट होता है। ये इंपेरियल सिस्टम है, इसका उपयोग कई देशों में होता है। इसका वर्ग गज निकालेंगे एक हेक्टेयर का तो 12,100 वर्ग गज होता है। हेक्टेयर को समझ लीजिए पहले, इसके बाद निकालेंगे। एक हेक्टेयर का प्लॉट बना लीजिए, इतना बड़ा, 5 जरीब लंबाई और 5 जरीब चौड़ाई, ये 22 गज के जरीब से, तो 22 × 5 कर दीजिए, 5, 22 × 5 करेंगे तो 110 गज लंबाई, और इधर भी इतना ही है तो 110 गज चौड़ाई होगा। लंबाई चौड़ाई 110 गज का होता है। क्षेत्रफल निकालिए, 110 × 110 बराबर ये 12,100 वर्ग गज, वर्ग गज बराबर एक हेक्टेयर होता है। तो हम 1936 वर्ग गज बराबर एक बीघा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 1936 बटे 12,100, 1,936 वर्ग गज है एक बीघा बराबर, इसको एक हेक्टेयर के वर्ग गज से भाग कर देंगे तो बराबर 0.16 हेक्टेयर, 3 डिजिट लगा दीजिए, 0, इतना हेक्टेयर होगा। इस तरह से दशमलव के बाद 3 डिजिट करने के लिए 0 लगा दीजिएगा, अंक यदि नहीं रहता है तो यहां पर 2 डिजिट था, इसलिए 1 0 बढ़ा दीजिए, 160 हेक्टेयर। और इसका आप लग्गी निकालना चाहेंगे, बिस्सा निकालना चाहेंगे, तो देख लीजिए बिस्सा कैसे निकालेंगे। 1936 बटे 20 कर दीजिए बराबर 1936 बटे 20 बराबर ये 96.8 वर्ग गज का बिस्सा होता है, वर्ग गज, इतने वर्ग गज का बिस्सा या बिस्वा होगा। और आप धूर निकालना चाहेंगे, एक धूर बराबर कितना वर्ग गज होता है, तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये 96.8 वर्ग गज को पुनः 20 से भाग कर दीजिए बराबर ये 4.84 वर्ग गज, वर्ग गज बराबर 1 धूर, 1 धूर, इस तरह से। अब इसका लग्गी निकालना चाहेंगे तो 484 × 9 कर दीजिए, पहले फीट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 4.84 8,4 × 9 बराबर 43.56 वर्ग फीट, वर्ग फीट का एक धूर होगा, 43.56 वर्ग फीट का एक धूर होगा। इसका अंडर रूट ले लीजिए, 43.56 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो ये 6.6 फीट के लग्गी
से आप जो है बीघा निकाल सकते हैं दोस्तों। धूर, बीघा और कट्ठा कहिए या बिस्वा बिस्वा। अब हमको इसको इससे पुनः हम लोग निकालेंगे। धूर 6.6 यानी कि लग्गी वर्ग बराबर धूर होता है, तो 6.6 × 6.6 फीट, ये फीट है, बराबर 43.56 वर्ग फीट हुआ। अब इसको 20 से गुणा कर दीजिए, बिश्वा निकल आएगा या बिश्या। 43.56 × 20 बराबर स्क्वायर फीट में बिश्या या बिश्वा निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर 871.2 वर्ग फीट बराबर 1 बिश्वा या बिश्या। इस तरह से अब बीघा निकालना चाहेंगे तो 871.2 × 20 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 17,424 वर्ग फीट। इस तरह से 20 का फंडा कार्य करता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से निकाल सकते हैं। और इसका अब प्लॉट बना लीजिए, 17,424 का ये देख लीजिए, 1 बीघा का प्लॉट कितना होगा, 132 फीट लंबाई और 132 फीट चौड़ाई होगा। 132 फीट लंबाई और 132 फीट चौड़ाई होगा। इसको यदि गज में जानना चाहेंगे तो 132/3 कर दीजिए, बराबर ये 44 गज होता है, लिख लीजिए 44 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो इसको इसको गुणा कर दीजिए, और 100 फुट में निकालना चाहेंगे क्षेत्रफल तो 132 × 132 बराबर 17,424 वर्ग फीट होगा। और वर्ग गज में निकालना चाहेंगे तो 44 × 44 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1936, 1936 वर्ग गज होगा 1 बीघा बराबर। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।